यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58। यशाया अध्याय 58। गला खोलकर पुकार, कुछ रख न छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उनका पाप जता दे। वे तो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे तो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, और हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ विचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सब कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में झगड़ते और लड़ते और अन्याय से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारा शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य दुख उठाए, क्या वह इस प्रकार का होता है? क्या तुम सिर को झाऊ की नाए झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह भी नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देनी और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश वह फटने की नाए चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा सुन लेगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और व्यर्थ बातें बोलना छोड़ दे और प्रेम से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान रहेगा जिसका जल कभी नहीं सूखता और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उपजे हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तब तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा के पवित्र किए हुए दिन को मान्य समझकर उस दिन अपने मार्ग पर न चलने और अपनी इच्छा पूरी न करने और अपनी बातें न बोलने से उसका सम्मान करे तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहोवा ही के मुख से यह बात निकलती है, यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है।